नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। ये मैंने 3 आलू थे बड़े बड़े, इनको मैंने बिल्कुल कद्दूकस करके धोकर इनका पानी खुश कर लिया। अभी मैं कपड़े में डाल के इन्हें और निचोड़ूंगी। ये 2 प्याज हैं और 2 ये रेपिनो मिर्चें हैं 3 और 2 शिमला मिर्चें हैं। मैं इनको बारीक चॉप करूँगी। इसी में मैंने तकरीबन 1 गाजर रख ली है, इसको भी मैं चॉप कर लूँगी बारीक मशीन में 4 खाने वाली, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या करते हैं। देखिए मैंने ये बेटा देना बेटा मैंने ये 4 अंडे लिए हैं जिन्हें मैं तोड़ रही हूँ और तकरीबन ये हो गए 4 अंडे। देखिए मैंने ये अंडे छींटे और इसमें मैंने ये प्याज को, और जो मैंने ये बताया था मैंने 2 प्याज ली, शिमला मिर्चें और जलपिनो और कैरोटें मैंने लिया, तो मैंने इनका पानी हाथ से इस तरीके से निचोड़ा है। देखें ऐसे ऐसे पानी मैंने इनका निचोड़ लिया और ये मैंने इसमें डाल दिया। देखिए इस तरीके से मैंने इनका पानी निचोड़ा है ताकि इसमें इसका पानी ना जा पाए और ये मैंने अंडों में डाल दिया। आलू मैं इस तरीके से ऑलरेडी निचोड़ चुकी हूँ। ये देखें ये सारा पानी देखे निकल रहा है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। आलू मैं पहले ही निचोड़ चुकी थी। आपको खाने का मकसद ये था कि प्याज का सबका पानी आपने निचोड़ लेना है और ये सब मैंने डाल दिए। देख लें ये अच्छा सा मिक्स हो गया है, इसमें ये हल्के चूल्हे पे पकेगा। अब मैं ये आलू भी डाल देती हूँ ताकि ये अच्छा सा क्रिस्प हो जाएगा। इसके साथ ही हम इसमें नमक डालेंगे हल्के जाकर और थोड़ी सी हम इसमें इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ी सी हम इसमें कुटी मिर्च डालेंगे। ये हमने देसी टच देने के लिए थोड़ी सी कुटी मिर्च डाली है इसमें। देखिए ये मैंने ऑयल डाला है और ये चूल्हा बहुत हल्का है, मैं इस पे इसको इस तरह से फैला दूंगी। चार अंडों का मैंने इस्तेमाल किया था और ये मैंने चेडर और मोज़रेला चीज़ थोड़ी सी ली थी, मैंने इनको कद्दू मशीन में ही चला दिया तो ये मैंने इसके ऊपर डाल दी। देखिए ये बहुत मज़ेदार आलू के साथ एक फुल मील बनेगी। इसके बाद मैंने ये देखें इसके ऊपर मैंने ये पूरा फैलाया और अब मैं इसको हाथ से बराबर कर दूंगी ताकि ये कवर कर ले और मैं इसका ढक्कन ढक के हल्की आंच पे जिस तरह केक पकता है ऐसे पकाएंगे इसे। ये मेरा नॉन स्टिक का पैन है तो ये जलेगा नहीं। देखिए आप ये मैंने इसको कवर कर दिया। अब आप देखें इसको फिर मैं बताती हूँ। देखें ये बबल बनने शुरू हो गए हैं और ये सारा ऊपर से अंडा जो है रेडी हो रहा है और नीचे से सुनहरा हो रहा है। अभी ये और होगा थोड़ा सा, ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा फिर मैं इसे पलटूंगी। देखें ये एक तरफ से हो गया है और अब हमने इसे पलट दिया, कितनी आसानी से पलटा गया है। अब ये दूसरी तरफ से भी हो जाएगा। देखें ये हमारा ऑमलेट रेडी है और आप इसकी शक्ल आप देख सकते हैं। अब मैं ये पिज़्ज़ा कटर से इसको पिज़्ज़े की तरह आपको काट के दिखाती हूँ, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना अच्छा कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखिए ये देखिए खाने में भी मज़ेदार, टेस्ट में भी डिफरेंट और आलू का सही इस्तेमाल। तो मेरा ये सिंपल सा आपका नाश्ता आप लोगों के लिए रेडी है और मेरी रेसिपी अच्छी लगे इसको बनाइएगा ज़रूर। और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो जो मुझे जहाँ जहाँ देख रहा है उन सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं उम्म-ए-हसन आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। ये पटाटो चीज़ी आपके सामने ऑमलेट हाजिर है और जो जो जहाँ है मुझे सबको मेरा प्यार भरा सलाम। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
Thank you.